आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम एडवांस एक्सेल की फीचर पे डिस्कस कर रहे हैं और सबसे पहले ज्योति जी के सवाल का जवाब देते हैं। उन्होंने पूछा कि मैं कोई अगर नेम लिखता हूँ तो नीचे ड्रैग करता हूँ तो बाकी नेम कैसे आ जाता है। तो देखिए क्या होता है कि जैसे आप जैन में लिखते हैं तो नीचे आपका ड्रैग आ जाता होगा, अगर आप संडे मंडे लिखते हैं तो आपका नीचे ड्रैग करते होंगे तो आ जाता होगा। क्यों? क्योंकि इसको बोलते हैं कस्टम लिस्ट। तो सिनेरियो जनवरी फरवरी और वीक संडे मंडे फिक्स होता है, इसका प्री डिफाइन होता है, लेकिन आप अपने हिसाब से लिस्ट ऐड कर सकते हैं। तो कहाँ ऐड कर सकते हैं? तो फाइल मेनू बार में आप जाइए, यहाँ ऑप्शन पे, ऑप्शन पे हमने क्लिक किया और ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ एडवांस में हम आएंगे और एडवांस में हम नीचे जाते हैं, वहाँ आपको दिखेगा एडिट कस्टम लिस्ट, एडिट कस्टम लिस्ट, और यहां पे अब अपने लिस्ट को एंट्री करके बना लीजिए। ठीक है, टाइप करके एंटर मारिए, बन जाएगा। और फिर उस लिस्ट को किसी भी फाइल पे, किसी भी सीट पे इसका यूज कर सकते हैं। तो आप ऐसे लिस्ट बनाएंगे जो आपको बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा होगा या फिर टाइप करना पड़ता होगा, जैसे सिटी लिस्ट, इंप्लॉय लिस्ट, क्लाइंट लिस्ट, प्रोडक्ट लिस्ट, टीम मेंबर लिस्ट, ऐसे लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है सर, ये संडे मंडे और जैन इयर्स का ये सारा ऑलरेडी इसमें एडिट रहता है? हाँ, उसमें एडिट रहता है। ओके, आगे बढ़े सर। अब इसमें अगला ऑप्शन हम बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं एक आज पेस्ट एज ए पिक्चर्स के बारे में स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगा आप लोगों के पास कोई डाउट या क्वेश्चन है? प्रैक्टिस जी, कोई डाउट या क्वेश्चन? सुन रहे हैं मुझे आप? डाउट है, क्वेश्चन है आपके पास? दो क्वेश्चन सर। कल की चीजें प्रैक्टिस कर ली थी आपने? कल की चीजें प्रैक्टिस कर ली थी सुरेंद्र जी? हाँ जी, प्रैक्टिस करी थी। सब समझ में आ गया था आपको? हाँ जी, काफी हद तक आ गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाँ जी, अब पेस्ट एज ए पिक्चर्स की हम बात करते हैं आज की क्लास में। पेस्ट एज ए पिक्चर्स मतलब कि जैसे कि आपके सामने ये डेटा दिख रहा है, तो कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि हम इसको कॉपी करके किसी अनदर शीट या किसी सीट पे, किसी फाइल पे हम पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए लिंक कर देते हैं, तो इसी का एक लिंक हो जाता है, राइट? मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करूंगा तो वहां ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, बट इसमें फॉर्मेटिंग नहीं आती है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं इतना बड़ा डेटा को, जैसे कि डैशबोर्ड अगर हम बनाते हैं या रिपोर्ट वगैरह बनाते हैं, तो मुझे अपने इस डेटा को छोटे से एरिया में दिखाना होता है, जैसे कि मुझे इतना इतना बड़ा नहीं चाहिए, छोटा चाहिए थोड़ा सा इससे। तो अगर कॉलम छोटा करेंगे, मान लीजिए मैं कॉलम छोटा कर लिया, तो क्या होगा कि पूरे कॉलम छोटा होगा। अब यहां पर हो सकता है कुछ लंबा वैल्यू लिखा, तो कॉलम छोटा करना पॉसिबल नहीं हो सकता आपको। तो आप क्या कीजिए, आप इसको सिलेक्ट कीजिए और यहां पे पेस्ट एज ए पिक्चर होता है, पिक्चर बना दीजिए। अब इसको जैसे मर्जी जहां ले जाना वहां ले जाइए, यहां क्लिक करते हुए आप ऊपर की तरफ ले जाइए, नीचे बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं अपने हिसाब से, इसको रोटेट कर सकते हैं, टेढ़ा कर सकते हैं, तो इसकी जरूरत कभी कभी हमें पड़ जाती है। बट प्रॉब्लम है कि अगर मैं इसमें कोई चेंज करूंगा तो यहां पे अपडेट नहीं होगा, क्योंकि ये नॉट चेंजेबल होता है। तो मुझे ऐसा चाहिए जो चाहिए तो पिक्चर ही हो, लेकिन लिंक हो हमारे डेटा से। हम डेटा को जैसे ही चेंज करें ये अपने आप चेंज हो जाए। तो हम इसको कॉपी किया और यहां
पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक पे क्लिक कर दिया, पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक यहां दिख रहा होगा। अब देखिए लिंक हो गया, मतलब कि अब यहां पे मैं अपना कोई कलर भी चेंज करूंगा तो आप देखेंगे कि यहां चेंज हो जाएगा, नंबर चेंज करूंगा तो नंबर चेंज हो जाएगा। और इसको भी पिक्चर की तरह हम छोटा कर सकते हैं, हम इसको रोटेट कर सकते हैं या बड़ा कर सकते हैं, ठीक है सर। तो पेस्ट एज ए पिक्चर और पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक समझ में आ गया। ज्योति जी, धुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, कोई डाउट इसमें? नो सर। चलिए अब बात आती है, जैसे मैंने पेस्ट से पिक्चर बना लिया और मान लीजिए कि यहां पे मेरा उदय है, एक डेटा हमने यहां पे नीचे ऐड कर दिया, तो क्या मुझे इसको, अब मुझे इस पिक्चर में इस डेटा को लाने के लिए, क्योंकि देखिए अमर तक ही दिख रहा है, इसमें कोई चेंज करेंगे तो आपका यहां अपडेट हो जाएगा, जैसे 270 किया 270 आ गया, लेकिन अगर कोई नई डेटा ऐड करते हैं तो यहां इस पिक्चर पे नहीं आएगा, कोई नई डेटा ऐड करते हैं तो यहां इस पिक्चर पे नहीं आएगा। तो इसको कैसे लाए, क्या दोबारा कॉपी पेस्ट करें? नहीं, दोबारा कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, कि दोबारा कॉपी पेस्ट करेंगे तो फिर से आपको रोटेट, फिर से छोटा साइज बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि कोई एक्सेल के अंदर में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लिंक होता है तो वो एड्रेस यूज जरूर करता है। जैसे मैं इस पिक्चर पे क्लिक करूंगा तो यहां दिखा रहा है कि लिंक्ड है A1 से E12, तो मैं यहां जो है A12 के जगह पे A13 कर देता हूं, A12 के जगह पे हमने A13 कर दिया, ठीक है। अब यहां पर देखिए उदय आ गया, क्लियर है सर? इसको नीचे तक हम ड्रैग कर देते हैं। मुझे मान लीजिए कि ई चाहिए, तो यहाँ ई के जगह पे आप एफ कर दीजिए, ई के जगह पे एफ कर दीजिए। ओके, समझ में आ गया ना आपको सर? अब एक चीज और चलते हैं, इसमें पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक कहां कहां यूज किया जा सकता है। कभी कभी क्या होता है कि एमएस वर्ड में भी हमें एक्सेल की कुछ डेटा को पेस्ट करना होता है, मान लीजिए कि किसी को आप कोई लेटर हेड बना, परचेज ऑर्डर ही बना के आप देख रहे हैं, दे रहे हैं, तो परचेज की पूरी कैलकुलेशन को आपने एक्सेल में किया है, लेकिन आपको वर्ड में लेटर हेड पे देना है, ठीक है। तो मैं एक बार एमएस वर्ड खोलता हूं, तो जैसे कि मान लीजिए कोई लेटर एड हमने बनाया हुआ है, कोई लेटर बनाया हुआ है जिसके लेटर एड पे प्रिंट करके साइन करके हम आगे भेजते हैं, और उस पर जो हम डेटा अपने डेटा डालते हैं, एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको, ब्लैंक डॉक्यूमेंट मैंने खोल लिया, इसमें हम यहाँ पे कुछ डिज़ाइन वगैरह बना लेते हैं या कुछ मैसेज लिख देते हैं, डिज़ाइन अपने हिसाब से हम बना लीजिएगा, ठीक है। मैं बस कुछ यहाँ
डेटा को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कॉपी एंड मान लीजिए नॉर्मल, फिलहाल हम नॉर्मल पेस्ट कर रहे हैं, नॉर्मल पेस्ट कर देते हैं और फिर इस डेटा को प्रिंट करके आगे हम भेजते हैं, राइट? समझे सर? ये मैंने ऐसे बनाया कि मान लीजिए होता है ना परचेज ऑर्डर को लेटर एड पे या जैसे कि पहले की सैलरी पहले जाती थी तो हमें सारे एम्प्लॉय के अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर और सैलरी को लेटर हेड पे साइन करके भेजा जाता था। अब पता नहीं क्या सिस्टम है, पहले तो जब सैलरी अकाउंट में ट्रांसफर होती थी तो हमें यही करना होता था, एक फाइनल चेक और उस चेक के साथ लेटर हेड पे पूरा साइन करके हम लोग देते थे। यहाँ पे क्या है कि फॉर्मेट बिल्कुल सेम होता है बट एज चेंज होते रहता है। जैसे मान लीजिए कि आप 47 है तो या फिर जैन से मई है तो हो सकता है जून से आगे का डेटा, मतलब कि यहाँ पे जून से आगे का डेटा। तो हर बार मुझे एक्सेल, क्योंकि कैलकुलेशन वगैरह तो एक्सेल में ही होगी, तो हर बार मुझे एक्सेल से उठा के यहाँ पे पेस्ट करना पड़ता है एवरी टाइम। तो मैं चाहता नहीं मैं एक्सेल अपडेट करूँ और ये अपने आप अपडेट हो जाए, एक्सेल में कुछ भी अपडेट करूँ यहाँ अपने आप अपडेट हो जाए। तो कैसे करेंगे उसके लिए हम यहां पे इसको हम कॉपी करेंगे और फिर यहां पेस्ट स्पेशल और पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए लिंक, क्या करेंगे पेस्ट एज ए लिंक और यहां पे इसको सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। ओके, अब आपका इस एक्सेल फाइल से लिंक है। अगर मैं जैन से लेके मई तक किया तो आप देखिए जैन से लेके मई चेंज हो गया ऑटोमेटिकली। मैं एक काम करता हूँ, इसकी कलर चेंज करता हूँ, कलर चेंज हो गया। मैं 47 का जगह पे 470 करता हूँ, 470 एंटर मारते यहाँ देखिए हो गया। तो बार बार कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कॉपी करके फिर उसकी पूरी अरेंज वरेंज करनी पड़ जाती है ना सर, तो बार बार आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पेस्ट स्पेशल सिर्फ एक्सेल में ही नहीं, आपको एमएस वर्ड में भी होता है पेस्ट स्पेशल और एज ए पेस्ट एज ए लिंक। और यहाँ पे आप एचटीएमएल सेलेक्ट कर ले, एक्सेल सेवन सेलेक्ट कर ले या बिटमैप भी, पिक्चर भी सिलेक्ट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो समझ में आया आपको सर? इसके लिए दोनों फाइल ओपन होनी चाहिए तभी चेंज होगा या फिर क्लोज में भी चेंज हो जाएगा? सपोज दैट अगर मैं एक्सेल फाइल ओपन है मेरा बट माय वर्ड फाइल क्लोज है, एक्सेल में मैं चेंज होगा तो अपडेट हो जाएगा। ओके ठीक है। तो सिलेंडर जी कोई डाउट इसमें? लंदर जी, हाँ जी, कोई डाउट इसमें? पर समझ में आ गया ना, कोई डाउट तो नहीं है ना? नहीं नहीं कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये हमारा ये हो गया। अब इसी तरह से आप एमएस और पावर पॉइंट पे भी, आउटलुक पे भी आप इसी तरह का पेस्ट ऐसे पिक्चर हम बात करते हैं इस क्लिपबोर्ड का क्या रोल है। तो इसके लिए मुझे एक नया फाइल बनाना पड़ेगा और यहाँ पे कुछ डेटा बनाना पड़ेगा। इसको कॉपी करके कई सीट पे पेस्ट कर देता हूं, मतलब चार या चार से ज्यादा सीट। अब एक चीज यहां पे एक चीज और सीखिए आप लोग ध्यान से, मेरे पास चार सीट है ना, और चारों सीट पे मेरा रैन बिटवीन का फॉर्मूला लगा हुआ है। मुझे एक एक करके इसको कॉपी करके इसके ऊपर पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज वैल्यू करना है, फॉर्मूला हट जाए।
तो 5 या 15 भी हो सकते हैं, एक एक करना पड़ेगा। इसका एक आसान तरीका है, पहले सीट पे क्लिक करें, शिफ्ट के साथ लास्ट वाले सीट पे क्लिक करें, ये सारे शीट आपके सिलेक्ट हो गए हैं, ऊपर आपको ग्रुप दिखेगा, और फिर इसको एक बार इसको सिलेक्ट करें, कॉपी करें, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल और पेस्ट एज ए वैल्यू, ओके कीजिए। ये इवेंट आपको हर सीट पे हो गया, मतलब हर सीट पे आपका पेस्ट एज ए वैल्यू हो गया, उसी सीट का वैल्यू। तो ये इसका कॉपी होके नहीं हुआ, सेम सीट की वैल्यू को पेस्ट होके इसकी फॉर्मूला रिमूव कर दिया। मैं दोबारा बताता हूँ कैसे करना है। आपको पहले सीट पे क्लिक करना है, शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट वाले सीट पे क्लिक करना है, फिर अपना किसी एक सीट का डेटा कॉपी कर ले, सेलेक्ट कर ले। अब जो भी हम करेंगे हर सीट पे इवेंट होगा, कोई टाइप करे, सेलेक्ट करे, हर सीट में होगा। नहीं, ये सुजीत जी, इसमें जैसे आपने शीट 5 सेट किया रहा और उसमें मैंने सिर्फ 5 नहीं किया, ध्यान से सुनिए, हमने सीट 1 पे क्लिक किया, अपने कीबोर्ड का शिफ्ट की प्रेस किया और फिर सीट 5 पे क्लिक किया। क्या कीबोर्ड का क्या प्रेस किया? शिफ्ट। अगर बिना शिफ्ट प्रेस किए करोगे तो डायरेक्ट यहां क्लिक होगा, सिलेक्ट। अच्छा, इस पे क्लिक किया और शिफ्ट की को प्रेस करके सबसे लास्ट वाले सीट को सिलेक्ट किया, तो मेरा पूरा सीट सिलेक्ट हो जाएगा। जो भी इवेंट करूंगा वो मेरी सारी सिलेक्टेड सीट पे होगा। ठीक बात, समझ गए। अच्छा, इसमें एक चीज और समझनी थी। हाँ? जैसे हम ये पेस्ट स्पेशल पे जो ऑप्शंस है वो एक बार खोलते हैं, विंडो को खोलना है एक बार। तो अब इसमें थोड़ा सा एक बार वैसे बता दो, जैसे ये फॉर्मूलाज लिखा हुआ है, वैल्यू लिखा हुआ है, फॉर्मेट्स लिखा हुआ है, ये करने से मतलब जैसे वैल्यूज है तो सिर्फ वैल्यूज पेस्ट होती है, और फॉर्मेट करने से क्या पेस्ट होता है, और ये फॉर्मेटिंग पेस्ट होती है। फॉर्मेटिंग का क्या मतलब? इसका मतलब खाली फॉर्मेट। हाँ, कलर बॉर्डर होता है। अच्छा, फॉर्मेट का मतलब क्या होता है? फॉर्मेट का मतलब होता है कि इसको आपने जो सुंदरता दी है, मतलब कि आपने कलर कर दिया, आपने बॉर्डर लगा दिया, साइज बढ़ा दिया, साइज घटा दिया, अलाइन कर दिया, रैप कर दिया, वो फॉर्मेट कहलाता है। अच्छा, इसमें वैल्यूज भी आती है ना साथ में? फिर नहीं, क्यों आएगी वैल्यू? अच्छा, खाली वही आएगा, सिर्फ बाकी चीजें हैं, फॉर्मेट आएगा ओनली। क्लियर लिखा हुआ है, फॉर्मेट ओनली। अच्छा, ठीक है। जो कॉलम विड्थ लिखा हुआ है, इसका क्या मीनिंग है? कॉलम की साइज पेस्ट आएगी कि कॉलम की साइज क्या है, विड्थ क्या है कॉलम की। अच्छा, इसको क्लिक नहीं करते हैं तो क्या कॉलम विड्थ अलग अलग आती है? नहीं, जैसे अगर आप कॉपी पेस्ट करते हैं ना, कुछ भी कर ले, कॉलम की विड्थ पेस्ट नहीं होती है, कॉलम का जो साइज होगा वही होगा। जैसे मान लीजिए कि आपका नेम बड़ा है, यहाँ पर नेम का कॉलम हमने बड़ा कर दिया। अब इसको मैंने कॉपी किया और फिर यहाँ पेस्ट करूंगा, तो देखिए यहाँ विड्थ पेस्ट नहीं हुआ। अच्छा, जो पेस्ट होके आता है वो इक्वल विड्थ होती है? डिफॉल्ट। अच्छा, बाय डिफॉल्ट। और सर सुंदर जी, हंसी आ रही है सर, अभी आपने इसकी प्रैक्टिस की है, मतलब कल की क्लास की प्रैक्टिस की नहीं आपने? करी थी कल की प्रैक्टिस। तो फिर ये सब नहीं, आपको मुझे पूछना चाहिए था ना। एक आधा चीज ऐसे बीच में नहीं समझ में आई तो वही मैंने पूछ ली, बाकी मैं। चलिए, कोई बात नहीं, होता है सर। क्योंकि सर बात होती है क्या कि अगर टॉपिक कुछ और चल रही है और क्लास पीछे की टॉपिक पर आ जाते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं सर, अगली क्लास में पूछ लिया कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो उसके अगली अगली क्लास पूछ सकते हैं, लेकिन कैंटी की पहले प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस फिक्र हो जाएगी। अब तो कोई डाउट नहीं है, एक बार फिर ठीक है, मैं आपको टाइम देता हूँ। अब बताइए, इसमें कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है सर? शैलेंद्र जी नाराज हो गए क्या? नहीं, बताइए ना। मैं बोला इसमें और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ये सब अलग अलग चीजें मैंने आपको नहीं पढ़ाया, जैसे कि मैंने सर ऑल यूजिंग नहीं कराया, क्रेडेंशियल नहीं कराया है, वो ऑल टेंस नहीं कराया है, ये चीज आगे के साथ, क्योंकि मुझे पहले वैलिडेशन समझाना था, वैलिडेशन होता क्या है, तो ये था बड़ा टॉपिक है।
तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसको मैं स्किप करता हूँ, उसका मतलब है कि एक किसी और टॉपिक से कनेक्टेड है, तो ये आगे आपको पढ़ने को मिलेगी। ठीक है ठीक है, समझ रहे ना? तो दो तीन टॉपिक मैंने छोड़ी हुई इसमें, बाकी सब तो क्लियर है ना? हाँ जी हाँ जी, बाकी सब क्लियर है। तो पेज इसमें से मतलब सिंपल समझ लीजिए ना कि हमें पूरा का पूरा नहीं चाहिए, हमें कुछ पार्ट चाहिए, समझे? पूरा का पूरा डेटा नहीं चाहिए। मान लीजिए कहीं से डेटा आपको किसी ने भेजा, उसको कॉपी करके अपने सीट पे पेस्ट करना है। अब इसकी जरूरत क्या होती है बता दो, किसी ने आपको डेटा भेजा, मान लीजिए अमेरिका से किसी ने डेटा आपको भेजा, राइट? उसने बहुत सारा उसने रंगोली बना रखा है, जहां तहां कलर सलर कर रखा है, उसने नंबर के अमाउंट में डॉलर का साइन लगा रखा है, ठीक है? और भी बहुत सारे ऐसी सतरंगी बना के डेटा आपको भेजा, बट आप जो है अपने सिस्टम पे उसको सिंपल बनाना चाहते हैं, तो आप कॉपी करके पेस्ट करेंगे, फिर एक एक करके कलर हटाएंगे, बॉर्डर हटाएंगे, नॉर्मल फॉर्मेट करेंगे, डेट को चेंज करेंगे। उससे अच्छा है कि आप जो है सिर्फ वैल्यू भी पेस्ट करो और बाकी जो चाहिए वो लगा लो। बात समझे? थोड़ा ये आवाज बीच में क्लियर नहीं थी, दोबारा बोलिए क्या करना चाहिए हमें। मैं बोलाऊं कि किसी ने आपको डेटा भेजा, तो उसमें डेटा में बहुत सारे रंगोली बना दिया, उसमें बहुत सारे कलर दे दिया, बहुत सारे अननेसेसरी फॉर्मेट मार दिया उसने, ठीक बात, बहुत सारे कैलकुलेशन कर दिया, जो कि कैलकुलेशन कनेक्टेड है किसी और के डेटा से, जो डेटा जिससे दिक्कत है आपको। तो आप कॉपी करने के बाद जो पेस्ट एज ए वैल्यू कर दे, मतलब कि सब कुछ क्लीन करके सिर्फ डेटा आपको दे देगा, बाद आप उसके ऊपर जो कैलकुलेशन करना चाहते हो, जो फॉर्मेटिंग करना चाहते हो, आप अपने हिसाब से कर लो। अच्छा, समझिए ना, किसी ने आपको एक पेपर दे दिया ड्राइंग करके, बट उसकी आपको पसंद नहीं आई, आपने क्या किया, रबर से उसको इरेज कर दिया और अपने हिसाब से ड्राइंग कर दिया। सेम काम करता, तो इरेज क्या करना है, फॉर्म आपको फॉर्मूला चाहिए, बाकी सब इरेज करना है, नहीं आपको फॉर्मूला भी इरेज कर देना, सिर्फ वैल्यू चाहिए, मुझे फॉर्मूला वैल्यू इरेज करके सिर्फ उसकी फॉर्मेटिंग चाहिए, मुझे सब कुछ इरेज करके उसकी कमेंट को चाहिए, मुझे उसकी बॉर्डर से इरेज करना है, या मैं मुझे उसकी कॉलम विड्थ चाहिए, कॉलम की साइज चाहिए कि कितना कितना साइज उसने ले रखा। अब बोले से इसका क्या मतलब हो गया, कॉलम साइज से क्या मतलब है? अब मान लीजिए कि एक्सेल के जरिए आप चेक प्रिंट कर रहे हैं, चेक तो प्रिंट होता है ना सर, तो चेक प्रिंट कर रहे हैं, तो चेक प्रिंट करने के लिए आपने मुझे बोला, तो मैंने एक चेक प्रिंट करने का फॉर्मेट बना दिया, जहां पे आपने नाम नंबर अमाउंट लिखेंगे और प्रिंट मारेंगे, वो चेक पे उसी तरीके से प्रिंट हो जाएगा। तो उसको चेक की फॉर्मेट के लिए हमें जो चेक के साइज के हिसाब से अपना पूरा सिस्टम अरेंज करना पड़ेगा ना, कॉलम की साइज, रो की साइज। आपको उसको कॉपी करके दूसरे सीट पे ले जाना है, कुछ चेंजिंग करने हैं, तो आपकी कॉलम की साइज तो चाहिए होगी ना, वरना फिर आपको पूरा मेहनत करना पड़ेगा ताकि वो चेक पे प्रिंट हो, कई सारे चेक को खराब करना पड़ेगा प्रिंट करके टेस्टिंग में। इसलिए हमें उसकी कॉलम विड्थ चाहिए होती है, मुझे उसके नंबर की फॉर्मेटिंग से डेट टाइम की फॉर्मेटिंग चाहिए होती है, तो इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं। हमें कैलकुलेशन करना है, जो कि कल बताया था, हमें इसका इस्तेमाल करना, हमें ब्लैंक नहीं चाहिए, सिर्फ डेटा चाहिए, तो इसका इस्तेमाल करते हैं। हमें ट्रांसपोज करना है, मतलब कि एंगल चेंज करना है, तो इसका इस्तेमाल करते हैं। वर्टिकल हाँ, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, और हमें पेस्ट एज ए लिंक के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो क्लियर है? यस। तो इसको और भी यूज कर लीजिएगा, और कल जो पूछना है पूछ लीजिएगा, ठीक है सर? ओके। क्योंकि क्या है सर, मेरी आदत आगे बढ़ने की, पीछे आने की नहीं है। तो ये यहाँ पेज से पिक्चर समझ में आ गया कि किस तरह से पेज से पिक्चर करेंगे। उसके अलावा जो पेस्ट स्पेस समझाया, वो जो पेस्ट स्पेस में चीजें यूज करते थे, वो आप यहाँ इस आइकन से भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए, पेस्ट एज ए, ये आपका पेस्ट नॉर्मल आया, पेस्ट एज ए फॉर्मेट आया, पेस्ट एज ए फॉर्मूला आया, सॉरी, पेस्ट एज ए फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग आया, ये आपका फॉर्मेटिंग पेस्ट किया, इसने बॉर्डर के हटा के पेस्ट किया, यहाँ देख रहे कीप सोर्स कॉलम विड्थ को पेस्ट किया, इसे रोटेट कर दिया, इसने वैल्यू कर दिया, नंबर फॉर्मेटिंग लिया, इस सिर्फ यहाँ पे उसकी सोर्स फॉर्मेटिंग लिया, वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग। हाँ, तो इस आइकन देख रहे, पेस्ट से लिंक लिया, पेस्ट से फॉर्मेटिंग लिया, पिक्चर्स हैं, और यहाँ पे पिक्चर लिंक है,
ये चीज भी है और पेस्ट स्पेशल में भी चीजें हैं, दोनों एक ही है ठीक है। बट यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, पेस्ट स्पेशल में इसे पेस्ट से पिक्चर नहीं है तो ये आप यहां से ले सकते हैं, तो दोनों ये अलग अलग नहीं है। ओके ओके अब इसमें जैसे कि हमारे पास कट और कॉपी, कट तो पता ही ना कट क्या करता है, हाँ कट हटा देता है ना वहां से, मूव कर देता है। फॉर्मेट प्रिंटर, फॉर्मेट प्रिंटर जानिए, जैसे मान लीजिए कि क्या होता है कि हमने एक फॉर्मेटिंग यहाँ पे एक फॉर्मेटिंग कर दी हुई है ठीक है, मैंने मान लो कि फॉर्मेटिंग कर दी हमने इसकी, मुझे सेम फॉर्मेटिंग नीचे भी करना है तो इसमें क्या है कि बहुत सारी फॉर्मेटिंग, जैसे हमने तो बॉर्डर लिया, कलर लिया, हो सकता है मैं थोड़ा बोल्ड कर दूँ, हो सकता है मैं फॉन्ट चेंज कर दूँ, थोड़ी सी साइज बढ़ा दूँ, थोड़ा सा रैप कर दूँ, थोड़ा सा मिडल सेंटर कर दूँ, तो फिर से दोबारा से इस पर सब कुछ करना पड़ जाएगा फिर, या फिर मुझे पेज एज फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो पेज एज फॉर्मेट जो होता है वही आपका फॉर्मेट प्रिंटर करता है, जहाँ के जहाँ से आपको फॉर्मेट लेना है उस पर कर्सर रखिए और फॉर्मेट प्रिंट पर क्लिक कर दीजिए, और जहाँ अप्लाई करना है उस पर क्लिक कर दीजिए, अप्लाई हो जाएगा। मान लीजिए मुझे यहाँ इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ चाहिए तो हमने फॉर्मेट प्रिंट पर क्लिक किया और जहाँ पर चाहिए वहाँ पर क्लिक कर दिया। देखिए आप टोटल तो टोटल रो एक साथ सेलेक्ट करके अगर हम क्लिक करेंगे तो हो जाएगा, हाँ तो इस पे क्लिक कीजिए और टोटल रो को क्लिक कर लीजिए तो ये आपका फॉर्मेट हो जाएगा, या वहां से वो कॉपी करता है या पेस्ट करता है, या फिर अगर आपको कहीं कहीं पेस्ट करना है जैसे एक सीक्वेंस में नहीं करना, मुझे यहाँ करना यहाँ करना यहाँ करना यहाँ करना है, तो उस केस में इस पे डबल क्लिक कर दे। डबल क्लिक करने के बाद क्या होगा कि ये फॉर्मेट प्रिंटर फिक्स हो जाएगा, ये हटेगा नहीं, एक बार अप्लाई करने पे जहां भी क्लिक करेंगे वहां वो अप्लाई फॉर्मेटिंग करता चला जाएगा। फिर हटेगा कैसे, इसे वापस क्लिक कर दीजिए okay. ठीक है, डबल क्लिक और इसको हटा दीजिए हो जाएगा। ओके सर, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि मुझे किसी ने डेटा भेजा है इस तरह से अलग अलग शीट पे, शीट वन पे, शीट टू पे, शीट थ्री पे, शीट फोर पे, शीट फाइव पे, अलग अलग शीट पे डेटा भेजा है, अब मुझे क्या करना है कि एक शीट ऐड करके इसके एक के नीचे कॉपी करना है, तो मैनुअल कैसे करूंगा कि मैं पहले सीट वन पे जाऊंगा, डेटा को सिलेक्ट करूंगा, कॉपी करूंगा, डेटा शीट पे जाऊंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, फिर सीट टू पे जाऊंगा, फिर डेटा को कॉपी करूंगा, डेटा शीट पे आऊंगा और सबसे लास्ट में जाऊंगा और फिर इसके नीचे जाके पेस्ट कर दूंगा, सीट थ्री में जाऊंगा, फिर वापस डेटा को कॉपी करूंगा और फिर इसके सबसे लास्ट में आऊंगा और फिर यहाँ पे पेस्ट कर देना। एक ना सर अंदर शिफ्ट दबा, हेलो हाँ जी आ रहा है समझ, तो ऐसे एक एक करना पड़ेगा तो काफी ज्यादा हुआ तो काफी ज्यादा टाइम भी लगेगा, तो इसका टाइम बचाने का एक सिंपल सा उपाय है मेरे पास। आप क्या करें कि कॉपी करने से पहले यहाँ क्लिपबोर्ड के सामने ये ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक कर दे, ये आपका क्लिपबोर्ड ऑन होगा। अब जो भी आप कॉपी करेंगे ये अपने पास स्टोर कर लेगा, तो अब आपको पेस्ट नहीं करना है, जस्ट सेलेक्ट कीजिए और कॉपी करते जाइए वन बाय वन, सेलेक्ट कीजिए एंड कॉपी करते जाइए, सेलेक्ट कीजिए एंड कॉपी करते जाइए, फिर से सेलेक्ट कीजिए और इसको कॉपी करते जाइए, और फिर लास्ट में जहां आपको पेस्ट करना है वहां पर कर्सर रखिए और यहां पर दिख रहा है आपको पेस्ट ऑल, क्या दिख रहा है पेस्ट ऑल, क्लिक कीजिए एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे वो पेस्ट कर देगा, आपका आधा काम तो खत्म हो गया ना सर। और विद इन एक्सेल नहीं, अलग अलग फाइलों पे भी या इंटरनेट पे या अदर सोर्सेस पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है। जब हो गया तो इसको क्लियर कर दीजिए ताकि क्लियर हो जाए, तो इसका इस्तेमाल आप लोग कीजिएगा राइट। तो आज क्लिपबोर्ड को खत्म कर दिया, कल हम बात करेंगे फॉर्मेटिंग के बारे में कि कैसे फॉन्ट अलाइनमेंट और नंबर की फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करेंगे ठीक है जी, ठीक है सर, कल की क्लास मिलते हैं, ओके बाय, ओके बाय ओके बाय बाय।